सतवास के काटाफोड़ में शुक्रवार को क्षेत्र के किसानों ने वर्ष 2020 में नष्ट सोयाबीन फसल का बीमा एवं राहत राशि की तीसरी किस्त के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार चंद्रशेखर परमार को दिया। किसान ने बताया कि प्रदेश के अन्नदाता किसान के द्वारा अनेक बार आवेदन के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 के सोयाबीन की फसल संपूर्ण नष्ट हो गई थी और देवास जिला शासन द्वारा आपदाग्रस्त घोषित किया गया था, मगर आज दिनांक तक 16 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश में अन्नदाता किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। किसानों द्वारा इसके समाधान की मांग किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से आज हम सब पूरे क्षेत्र के किसान, यहाँ के हमारे गांव के सभी नागरिक किसानों की मांग लेके यहाँ आए हैं। आज किसान कांग्रेस के आह्वान पे हम सब सभी दल के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था यहाँ पे और किसानों की आवाज़ उठाना था, मगर दुर्भाग्य कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, मगर हम सब आज कांग्रेस के जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, सब इकट्ठे होकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं। उनको उनकी मुआवजा राशि के लिए, उनकी बीमा राशि के लिए जो दो दो साल से पेंडिंग है, जो आज तक नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारे किसान अध्यक्ष ने बोला अभी कि अगर और बिजली के बिल जो हमारे पिछले लॉकडाउन से जो माफ़ होना थे, जो आज तक वो माफ़ नहीं हुए हैं, तो इन मांगों को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं और आज हम ये निवेदन करने आए हैं प्रशासन से कि इन सब मांगों को जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर इसका निराकरण करा जाए। अगर ये निराकरण नहीं करेंगे तो इसकी अगली कार्रवाई में हम इसका आंदोलन करेंगे, या अगर भगवान ना करे अगर मौका दिया गया इस तरह से का, तो हमको चक्का जाम ही करना पड़ेगा और जेल भी भरना पड़ेगा। तो हम सब किसान भाइयों के साथ हम कांग्रेस की भी हर व्यक्ति जाने को तैयार। किसान क्या आयोजन हो रहा है आज? आज हम लोग किसानों की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। विगत 16 माह हो गए किसानों को बीमा राशि नहीं मिली एवं राहत राशि की तृतीय किस्त आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं हुई। उसी संबंध में हम SDM महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और साथ ही हम लोग ज्ञापन देने के इसके साथ ही ये निवेदन कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर बीमा राशि एवं राहत राशि प्राप्त नहीं हुई तो हम इस कोरोना काल में उग्र आंदोलन